मांसपेशियों की बीमारी का आसान होगा इलाज। अध्ययन डचेन मक्युलर डिस्ट्रॉफी के नए कारणों का चला पता। 30 वर्ष की उम्र से पहले होती जन्म लेने वाले हर 5000 में एक लड़का होता है इस रोग से ग्रस्त। पोटर माउथ चिटेन ANI अनुवांशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन कभी फायदेमंद होते हैं तो कभी कई प्रकार विकृतियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी ले के कारक भी बनते हैं। ऐसा ही विशेष प्रकार का जेनेटिक म्यूटेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD पैदा करता है। यह बीमारी औसतन प्रति 1000 जन्म लेने वाले लड़कों में से को होती है। चूंकि इसमें प्रभावित एक्स क्रोमोसोम में स्थित होता इसलिए अमूमन लड़के ही इस रोग पीड़ित होते हैं। लड़कियां सिर्फ इस उत्परिवर्तित जीन की वाहक होती हैं और ही 5 करोड़ लड़कियों में महज की जाने 1/5 जीन है से विरले 1 इस रोग से पीड़ित होती है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमाउथ CNRS ICTEM तथा फ्रांस के AFM और पोलिश अकेडमी ऑफ साइसेज के मार्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी के विज्ञानियों का एक अहम अध्ययन ई लाइफ जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों में किशोरावस्था में ही व्हीलचेयर की जरूरत पड़ जाती है और 30 साल की उम्र से पहले ही अधिकांश की मौत हो जाती है। माना जाता था कि DMD की शुरुआत मायोफाइबर से होती है। मायोफाइबर की शोधकर्ताओं ने बताया कि पहले यह से पहले ही हो जाती है जिसे मायोब्लास्ट कहते हैं। इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक कोशिकराय सिकुड़न की गतिविधि से यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमाउथ के स्कूल जुड़ी होती है तथा किसी भी मांसपेशी का ऑफ फॉर्मेशन बायोलॉजिकल अधिकांश हिस्सा होती है इसलिए इसका साइंसेज के प्रोफेसर डेरेक गोरेकी ने कहा इलाज ढूंढने का फोकस इन्हीं कोशिकों की यह निष्कर्ष इस मायने में महत्वपूर्ण पर रहा। लेकिन नए शेद में यह बात है कि इससे इस रेख को समझने का सामने आए है कि इस बीमारी शुरुआत मसल फाइबर से तक पहुंचने की तरकीम गहव विरित है। बीमारी जाती है मौत में रेख को पहचान 2 से 5 बशकों के उम्र में होती है। तब तक उनके शरीर को काफी नुकसान हो चुका होता है। यदि समय से रोग का पता लगे तो भले ही कि इस रोग को रोका नहीं जा सकता परंतु इन उसके असर या बढ़ने की गति को धीमा में की तो किया ही जा सकता है। प्रोफेसर गोरेकी ने बताया कि इस समय हम रोग का इलाज उसके फैल जाने के चरण में दंडुते हैं जिससे पीड़ितों जो कि मौत की शिरावस्था में ही हो जाती हो हैं। ऐसे में यदि हम उन कोशिकाओं को पैथोलॉजिकल प्रक्रिया की शुरुआत ने में ही ठीक कर सके तो मांसपेशियों के क्षरण को विलंबित किया जा सकता है और पीड़ितों की आयु बढ़ाई जा सकती गई है। इसके लिए हमें शैशवावस्था में ही भन DMD का पता लगकर मायोजेनिक कोशिकाओं को अपेक्षित रूप से निशाना बनाना होगा। नजरिया बदलेगा। हमने यह पता लगाया है कि डिस्ट्रोफिन की अनुपस्थिति कारण मायोब्लास्ट गंभीर रूप से प्रभावित होता है और ये कोशिकाएं सामान्य मांसपेशियों के विकास तथा पुनर्जनन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूंकि मायोजेनिक कोशिकाओं के कामकाज बिगाड़ आने से क्षतिग्रस्त मांसपेशियों प्रभावी मरम्मत नहीं हो पाती है किसी भी मरम्मत वाले मायोफाइबर को अंततः बदलने की आवश्यकता तो होगी ही मायोजेनिक कोशिकाओं के बिना नहीं सकता है इसलिए इसके चक्र में गड़बड़ी आ जाती है। गत वर्ष शोध टीम DMD के विकास मॉडल के प्रकाशित अध्ययन निष्कर्ष में रोग की शुरुआत और उसके प्रथम पड़ाव की जानकारी दी होना बनने से पहले के ही होती हम लेकिन थी उन्होंने DMD से पीड़ित अधिकांश लड़कों राग का शुरुआत का यलापत